नमस्ते, सुप्रभात आप सबको, आप सब आत्माओं को आज के ईश्वरीय वरदान 267वें दिन के ईश्वरीय वरदान में स्वागत है। और आज के ईश्वरीय वरदान में हम आत्माओं के लिए परमपिता परमात्मा कौन सी शिक्षा लाए हैं, हम देखें इसको। तो परमपिता परमात्मा कहते क्या है, देखें। बाबा कहते हैं ईश्वरीय शान में स्थित रहे। अब कोई इंसान होता है जो कि धन के शान में होता है, तन की खूबसूरती के शान में होता है, कपड़ों के शान में होता है, जूते कौन से लगाए उसके शान में, गहने क्या लगाए उसके शान में होता है, घर कितना बड़ा है मेरा औरों के कंपैरिजन में उसके शान में होता है। लेकिन ये ईश्वरीय शान, ये अलग शान है, में स्थित रहे हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। परेशानी कब आती है, जब हम देह अभिमान में आते हैं। हमें शान, जो हमने पहले पहले बात करी ना, धन का शान, तन की खूबसूरती का शान, घर कितने हैं मेरे पास में, गाड़ी कितनी, उसका शान जब होता है तो अहंकार आता है और कर्म बुरे होते हैं और दुश्मन बन जाते हैं। तो फिर क्या होता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। लोग आपसे ईर्ष्या घृणा होती है तो परेशानियां बढ़ जाती हैं, जेलेसी होना ही, लोग मैनिपुलेशन करना शुरू करते हैं। तो अगर हम ईश्वरीय शान में रहेंगे तो बेकार की परेशानी नहीं आएंगी। हम आत्माभिमानी रहेंगे, नम्र रहेंगे, दिखावे वाले नहीं रहेंगे। बहुत सारी चीज़ होती है, सब दिखावे की बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है हमारे अंदर। फिर तो परमात्मा कहते हैं परेशानियों से मुक्त भव। देखें विस्तार में बाबा क्या कहते हैं, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। बाप मतलब परमपिता परमात्मा और दादा मतलब एडम या ब्रह्मा। तो सबसे पहली रचना कौन है, परमपिता परमात्मा की, ब्रह्मा। और ब्रह्मा के द्वारा वो चारों दिशाओं में सत्य ज्ञान बांटते हैं ताकि हम बच्चे परिवर्तन कर लें अपने आप को कलयुगी बुद्धि से, आयरन एज्ड बुद्धि से, जिसमें जल्दी जल्दी जंक लग जाता है, चोट लग जाती है, दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, क्योंकि आयरन एज में आयरन को जंक लग जाता है जल्दी। उस समय गोल्डन एज बनाते हैं, सोने को कभी जंक नहीं लगता। तो हमारी बुद्धि भी कैसे बना देते हैं परमात्मा, आयरन एज है, फलम कहें उसको, कहते हैं फलम भी कहते हैं किसी भाषा में, और किसी लोहा कहें, लोहे से जाकर के हमें सीधा सोने जैसा बनाते हैं। तभी परमात्मा को फिलोसोफर स्टोन भी कहते हैं। तो परमपिता परमात्मा हमें क्या बनाते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। तो परमात्मा कहते हैं सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती, किसी की बुराई समा नहीं सकती, पहली बात, किसी की गलतियां समा नहीं सकती हमारे अंदर, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये हम कभी नहीं सोच सकते किसी के बारे में। तो हमारे अंदर ये चीजें समाती नहीं, ना ही किसी चीज से आकर्षण, किसी व्यक्ति से आकर्षण, किसी वस्तु से आकर्षण हो सकता है, कोई चीज समा नहीं सकती। जिनकी आंखों में परमपिता परमात्मा समाये हुए हैं और परमपिता परमात्मा की आंखों में जो बच्चे समाये हुए हैं उनकी आंखों में, इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मतलब आपका किसी से लगाव नहीं होगा, आप किसी से अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको किसी चीज का लालच नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा मिल गया, बस सब कुछ मिल गया। तो लालच नहीं होगा, आप जितना कमा रहे हैं उसमें संतुष्ट हैं, थोड़ी सी सक्सेस मिला आप उसमें बहुत खुश हो गए, और थोड़ा सा कहीं आपको प्रॉफिट या लॉस लॉस हो गया और बड़े दुखी हो गए, ऐसा नहीं होगा आपके साथ में। आप बहुत हर स्थिति में आप एक समान रह पाएंगे। शरीर में कुछ हो गया, व्याधि आ गई, आप बोलेंगे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर को हुआ है, शरीर को परेशानी होगी, भोग रहे हैं, भोगते हैं, और फिर अगला जन्म अगर हो गया तो और अच्छा शरीर मिल जाएगा, नया शरीर मिल जाएगा, लेकिन भोग ना भोग के जाना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं भोग लो, नहीं तो फिर अगले जन्म में ये क्या हो जाता है, पास ऑन हो जाता है। अगले जन्म में भी सेम भोगना पड़ जाए तो क्या हालत होगी, अगले जन्म में शरीर अगर अच्छा नहीं मिला तो क्या हालत होगी, तो अभी भोग लो ताकि अगले जन्म में शरीर फ्रेश मिले। तो परमात्मा कहते हैं परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी, ये सोच से कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी शान में रहता है, कोई अगर रॉयल घराने का है, कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा बिल्कुल बहुत ही वाइज, बहुत ही ऊंची पोजीशन का, लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, उसकी सोच अच्छी ना हो, बोल चाल अच्छा ना हो, हाव स्वभाव अच्छा ना हो, तो लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे इतना पढ़ा लिखा होकर कैसी बातें करता है। तो यहाँ पर भी परमात्मा कहते हैं यह स्पिरिचुअल पढ़ाई, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान कि कैसे गुणों को, शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है अपने कर्म अच्छे करने के लिए। तो हम अगर परमात्मा की शान में रहेंगे तो हमारा हाव स्वभाव रॉयल हो जाएगा, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका गुणों के द्वारा होगा, ना कि अवगुण के द्वारा। हम चिल्लाएंगे नहीं, हम किसी से लड़ेंगे नहीं, हम किसी के ऊपर हम ईर्ष्या या घृणा नहीं दिखाएंगे, तो हमारा हाव स्वभाव के साथ रॉयल हो जाएगा। तो उसका क्या होगा, उससे हमें रिस्पेक्ट मिलेगी।
आप सोचेंगे कि अरे किसी व्यक्ति ने मेरे साथ में बुरा किया तो मैं उसके साथ बुरा क्यों ना करूं। परमात्मा कहते हैं आप बुरा कर करके औरों की नज़र में तो वाह वाह कर लोगे, लेकिन आप औरों की नज़र में जीत जाओगे, लेकिन परमात्मा की नज़र में आप जीतोगे नहीं, परमात्मा की नज़र में आप गिर चुके होगे। हम जो कल बात करी थी वरदान में, तो परमात्मा कहते हैं स्वतः प्राप्त होता है क्या मान उनको, और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। उनसे जो भी बोल मुख से निकलते हैं, जो कर्म होते हैं, वो शानदार होते हैं, शान वाले होते हैं, बदनामी वाले नहीं, छुप छुप करके करने वाले नहीं। छुप छुप के जो भी काम किए जाते हैं, चोर भी छुप छुप के करता है ना, तो वो गलत कर्म होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं हम ये चीज़ सीखें, और इसको सीखने के लिए हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको कहते हैं ब्रह्मा कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जाकर ये सब कुछ फ्री में सीख सकते हैं। आप भी और मैं भी सीख रहे हैं। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।